जैसी फिल्मों से अपनी अनोखी पहचान बनाने वाले एनआईटी से पास आउट मजे अभिनेता गोविंद नामदेव हमारे साथ बैठे हैं जयपुर में बच्चों के वर्कशॉप के लिए। मुंबई से आप पधारे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे आज का जो हमारा हिंदुस्तानी सिनेमा है उस पर क्या इनका कहना है। गोविंद, सबसे पहले तो जयपुर में मैं आपका स्वागत करूंगा, और एक बात की हमें थोड़ी सी शिकायत भी है कि बॉलीवुड में हमारे पास एक मंझे अभिनेता गोविंद नामदेव थे हैं, लेकिन सोलर एक्लिप्स नाम की हॉलीवुड फिल्म में आप चले गए, तो क्या सारे आप जैसे अभिनेता मंझे हुए अभिनेता हॉलीवुड की राह पकड़ लेंगे तो हमारे हिंदी सिनेमा का क्या होगा? ऐसा है कि हर एक्टर चाहता है कि वो अगर हॉलीवुड तो पूरे विश्व की मान्यता है कि वहाँ बेस्ट काम होता है, तो हर एक्टर चाहता है कि वो हॉलीवुड की फिल्म में भी उसकी शिरकत हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदी फिल्में छोड़ देगा या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देगा। मैंने वो फिल्म जरूर की है, साथ में अभी एक तीन फिल्में लगातार एक ही बात एक ही की है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, उसका मैं जिक्र कर सकता हूँ। एक अभी हमने स्विट्जरलैंड में शूट की है, उसका नाम है कमिंग बैक टू अर्थ। इस फिल्म की खासियत यह है कि पूरी फिल्म बर्फ़ में शूट हुई है। आमतौर पर क्या होता है कि हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स छोटी सी फिल्म लेके जाते हैं स्विट्जरलैंड या किसी तरह की रिकॉर्ड में, और ख़ासतौर से स्विट्जरलैंड में कुछ एक गाने शूट हो गए बर्फ में, एक दो सीन शूट हो गए, और वो बाकी वहाँ से शूट करके हम बॉम्बे ले आते हैं और बाकी शूट यहाँ कर लेते हैं, उसको फिट कर देते हैं। ये फिल्म की खासियत यह है कि पूरी फिल्म स्टार्ट टू फिनिश बर्फ़ में शूट की है। हम पब्लिक के अंदर भी शूट कर रहे होते थे तो बाहर दिख रहा होता था कि स्नोफॉल हो रहा है या बर्फ़ जमी हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, ये एक मर्डर मिस्ट्री है, और उस मर्डर मिस्ट्री को अनफोल्ड करने वाला कैरेक्टर मैं बहुत कुछ मैं बात करना चाहूँगा आपसे। इस समय आपकी फिल्म